आज क्या है? रिपब्लिक डे। थार्स भी जा रही है, मतलब एक रॉयल एनफील्ड साथ में थार्स अलग ही डेमो बनने वाला है। पेट्रोल डलवा के टंकी फुल करके फिर साथ में चलने के लिए अभी कहीं और चल रहा है। बंद बारे ना चलने का प्रोग्राम है। टैंक फुल करवाया आपने? टैंक फुल करवाया। 200 रुपए टैंक फुल होता है? ये मतलब झूठ ऐसे यार। सो यहाँ भाई किया छोटा सा बर्नआउट। तो सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे जी। एंड आज है 26 जनवरी। हाँ 26 जनवरी, तभी तो रेडी हो रहे राइड के लिए। और भाई टाइम हो चुका है 8:30 सुबह के, और अभी निकल रहे अपन खुशहाली मोटर्स के साथ एक रिपब्लिक डे राइड पर। एनीवेज भाई लोगों, सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। राइड जो ऑर्गेनाइज करवा रहा है वो करवा रहा है आशु, और आशु भाई खुशहाली मोटर्स कंपनी भरतपुर की दूसरी रॉयल एनफील्ड की कंपनी, आई मीन फर्स्ट पे खुशहाली मोटर से पहले वही ओपन हुआ था, उसके बाद वो बछामदी मोटर्स। एनीवेज इस टॉपिक को बाद में छेड़ेंगे, तो अभी चल रहे हैं भाई लोगों राइड पर। बहुत अच्छी बहुत प्यारी राइड होने वाली है अभी। और फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, आज रोड्स के ज़्यादा मैं आपको वीडियो दिखा नहीं पाऊँगा, बिकॉज मैं रात को चार्ज करना भूल गया था अपना गोप्रो, और इसकी सारी बैटरीज डेड पड़ी हैं। जस्ट एंड ओनली 55% बैटरी है। होप एंड ट्राई यही रहेगा कि मेन अच्छे अच्छे फुटेज इसमें डालूं। बाकी यार बहुत गंदे लेवल की चोट हो गई, मैंने इसको चार्ज नहीं किया, कोई बात नहीं। एनीवेज अपन अपना इंस्टा गोटू भी लेके चल रहे हैं, इंस्टा 360 भी लेके चल रहे हैं। सो हेयर इज अवर इंस्टा 360, एंड ये अपना इंस्टा गोटू, एंड ये अपना GoPro 9, और बाकी अपना फ़ोन जिंदाबाद भाई। साथ में ट्राई कर रहा हूँ गिम्बल भी लेके चलूँ, एक आधा वीडियो बना लेंगे, ट्राई करेंगे, नॉट बी श्योर बट बना लेंगे। एनीवेज भाई लोगों, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, और ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, निकलना भी है, और क्या क्या हिमालयन में चेंज हुआ था, तो प्लीज़ आगे क्लिप्स में देख लेना, आपको पता लग जाएगा। तो बस जल्दी से नीचे जाता हूँ, राइडिंग गियर पहनता हूँ, और फिर निकलते हैं 1 2 3 करते हुए, मिलते हैं आपको सीधा GoPro पर। बाय। तो भाई लोगों, हेयर वी गो नाउ, एंड टाइम हो चुका है निकलने का। मैंने बाइक भी वार्म अप कर ली है, और बाइक में क्या क्या चेंजेस करवाए हैं वहाँ पहुँच के बताता हूँ आपको। अगर आपने मेरे लास्ट वाला व्लॉग देखा होगा तो आपको पता लग जाएगा कि मैंने बाइक में कुछ चेंजेस करवाया है। क्या चेंजेस करवाया है वो लास्ट वाले व्लॉग में मैंने बोला था, और अभी मैं वहाँ जाके दिखाने वाला हूँ कि अपन ने क्या क्या इसमें चेंजेस करवाए हैं। सो ये भाई एज यूजुअल आपको पता ही होगा, जयपुर हाईवे है, जयपुर बाईपास जो यहाँ से हो जाएगा लेफ्ट बाईपास के लिए, और ये आ चुकी है भाई आशु की कंपनी खुशहाली मोटर्स रॉयल एनफील्ड। तो अभी तो मुझे नहीं लगता, शायद से कोई आया होगा, बस एक चिराग आया है भाई, और चिराग की बाइक खड़ी है। चिराग ने अभी ली है जस्ट ये मॉन्स्टर, और कॉन्ग्रेचुलेशन चिराग, चिराग ये बैठा भाई, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो। सो ये लो जी, पहुंच चुके हैं अब अपन खुशहाली मोटर्स, और ये पीछे अपने खुशहाली मोटर्स से क्लासिक का साइन दिख रहा है। ओनर जो है वो बहुत ज़्यादा बिजी है बेचारा, लगा हुआ है अपने काम पानी में। और यहाँ आ चुका है अपना अंकित, चिराग, एंड बाइक सभी मैं बाद में दिखाता हूँ। बाइक चिराग, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और यहाँ जो हमारे ओनर है भाई साहब, वो लगे पड़े काम करने में। हाय आशु, क्या कर रहे हो बेटा? फ्लैग मार, कोई नहीं, वो भाई सब बाइक्स पे फ्लैग वगैरह लगा रहा है, और होना भी चाहिए एक एज अ ओनर में जितनी उसमें क्षमता है वो पूरी अपनी तरीके से पूरा काम कर रहा है। एनीवेज भाई लोगों, अपने साथ आज ना भाई थार्स भी जा रही है, मतलब एक रॉयल एनफील्ड साथ में थार्स अलग ही डेमो बनने वाला है, और भाई साथ में चिराग ने जो बाइक ली है वो R15 है, और एक और भाई के R15 है जो साथ में आ रखे हैं इधर में। और यहाँ आ चुके अपनी सुबह सुबह में गर्मा गर्म चाय, जो फील देने वाली है, मज़ा भी आएगा, चाय भी दे, ऐसी ठंड में चाय लेके आए हो भैया, थैंक यू सो मच। तो भाई ये गर्मा गर्म चाय आ चुकी है, करते हैं चाय एंजॉय, फिर उसके बाद मैं आपको यहाँ सारे बाइकर्स दिखाता हूँ, सारे बाइक्स दिखाता हूँ, कौन कौन सी बाइक आई है अपने पास ग्रुप में, और क्या अपन मज़े करेंगे वो अपन रोड पर देखेंगे। अभी करते हैं भाई पहले चाय एंजॉय, उसके बाद मैं आपको अपना बाइक का भी दिखाता हूँ अपन ने क्या क्या चेंजेस करवाया बाइक में, तो मिलते हैं इस छोटी सी चाय के बाद। एनीवेज भाई लोगों, चाय के लिए चुस्की, जो सुबह सुबह का आनंद था वो पूरा कर चुके हैं। अब मैं आपको थोड़ा अपना बाइक दिखाई दूँ कि अपन ने इसमें कलर्स में क्या क्या चेंजेस करवाया है। भाई इधर में मैंने ये रिम पेंट करवाई है जो गोल्डन कलर से है, मैं एक्चुअली इसकी जो थीम बनाना चाह रहा हूँ वो ब्लैक गोल्डन से करना चाह रहा हूँ। ये पीछे की जो जो मेरे पैनियर्स लगने वाले गार्ड्स हैं उस पर मैंने पेंट करवाया है, साथ में ये आगे गार्ड पे पेंट करवाया है, क्रैश गार्ड पे पेंट करवाया है, और ये छोटा सा एक हिमालयन का लोगो बनवाया है।
और ये छोटी सी आगे मैंने एक रिम पे भी गोल्डन पेंट करवाया है। तो अभी ये बाइक कंप्लीट नहीं है, एनीवेज कंप्लीट होने में भी टाइम है। बाइक जो है वो अभी कंप्लीट पेंट नहीं हुई है, अभी मैं इसमें और भी छोटे मोटे चेंजेस कराने वाला हूँ। पावर नोट भी दूंगा एक, पावर नोट में भाई अभी जो चेंजेस आना था वो आया नहीं है, बिकॉज ऑफ मैंने जो एग्जॉस्ट ऑर्डर किया हुआ था वो अभी मेरे पास पहुंचा नहीं है। एग्जॉस्ट ऑर्डर किए हुए मेरे को हो गए 8-10 दिन, बट स्टिल 2-3 दिन में आ जाएगा। होप था कि यार अब तक आ जाता तो और मज़ा आता इस राइड पर, बट स्टिल कोई बात नहीं, आगे फील लेंगे, आगे मज़े करेंगे उसमें। और यहाँ जो भाई बाइक्स आ रखी है ना वो बहुत अलग लेवल्स पर आ रखी हैं। ये देखो 1, 2, 3, 4, 5 बाइक इधर हैं और कम से कम 10-15 बाइक नीचे हैं। और ये सारे राइडर्स खड़े हैं पीछे, फ्लैग ऑफ कर रहे हैं अपनी बाइक्स पे। और भाई आज की राइड बहुत अच्छी अलग लेवल पे होने वाली है, साथ में 3 थार भी हैं, शायद से 1-2 थार और भी आ रही हैं, तो राइड अलग लेवल पे होने वाली है। यामाहा, रॉयल एनफील्ड और थार, महिंद्रा, सबका इसमें योगदान है भाई। यहाँ मेटियोर क्लास स्टैंडर्ड, मेटियोर क्लासिक, क्लासिक और ये अपने ओनर की भाई कॉन्टीनेंटल 650, आई मीन GT 650। और यहाँ अपनी हिमालयन, एक और हिमालयन, अंकित की हिमालयन, और ये इनकी बाइक्स है। तो साथ में भाई चलने वाले हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। ये सारे राइडर्स खड़े हैं, कुछ ड्राइवर्स हैं, कुछ राइडर्स हैं। एनीवेज भाई लोगों अब मज़ा आने वाला है, बस ज़्यादा देर नहीं है, निकलते हैं 5 मिनट के अंदर अंदर यहाँ से और सीधा मिलते हैं आपको GoPro पर। सो फाइनली भाई लोगों हो चुकी है राइड स्टार्ट, और यहाँ आप देख सकते हो कितनी सारी तो बाइकें हैं, कितनी सारी गाड़ियाँ हैं, लुक भाई लुक। और ये अपन ने ले लिया भाई 360 हाथ में, जिससे अपन बनाने वाले हैं सारी सारी वीडियोज़। और मेरे को ज़रा जाना पड़ेगा आगे, क्योंकि भाई जो काफिला है ये बहुत लंबा होने वाला है ये काफिला। और ये काफिला आज रिपब्लिक डे के लिए निकाला जा रहा है, बिकॉज इसमें ना भाई बहुत मज़ा आने वाला है अब। और अब 2 लाइनें चलेंगी सिर्फ, और अब ज़रा निकाली जाए 360 वीडियोस, क्योंकि सारे राइडर्स जो हैं वो एक लाइन में लग चुके हैं। यहाँ आशु और मैं आगे और बाकी सारे पीछे रहेंगे। सो अब टाइम हो चुका है आपको काफिला दिखाने का, तो अब मैं आपको काफिला दिखाता हूँ। थार्स गिनना, बाइक्स गिनना, कितने काउंट हो जाए अब देखना। अब 1, 2, दिस इज 3 एंड 4, 4। और ये अपनी बाइक्स का काफिला है, ये आप देख सकते हो भाई लोगों। और ये आ चुका है भाई अपना सारस, और जो राइड होने वाली है वो होने वाली है फतेहपुर सीकरी तक। और आते वक्त भाई टेल एंड पे एक ढाबा खोलने वाले हैं, पर अच्छे से ढाबा, मतलब ढाबा नहीं भाई ढाबा, मतलब एक अच्छे से काफिला बैठेगा उधर, जो आज अलग ही लुक देने वाला है अपने ग्रुप को। तो अपने ग्रुप्स में भाई मिनिमम मैं कहता हूँ शायद 20+ तो बाइक्स हैं और 6 थार हैं, तो मतलब एक काफिला जब वहाँ बैठेगा तो आप समझ सकते हो क्या काफिला होने वाला है। और ये आ चुका है अपना सारस चौराया।
काफी रोमांचक मजा आ रहा है। और ये भाई आशु अपने बना रहा है रील्स और 360 के साथ, इवन मेरी क्या सबकी रील्स बन रही है। तो होप करता हूँ भाई ये व्लॉग में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और अभी फतेहपुर सीकरी पे थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, बैठेंगे वहाँ, बातें शातें करेंगे। तो होप करता हूँ वहाँ शायद अपन एक चाय का ब्रेक ले लें, बट इट्स नॉट आई एम कंफर्म। बट आते वक्त टी लेन पे जो हम रुकने वाले हैं ये कंफर्म है अपना। तो होप करता हूँ भाई ये व्लॉग ना बहुत ज़्यादा अल्टीमेट जाने वाला है, आई एम डैम श्योर। और ये अपना भाई काफिला जब निकलता है ना तो अगल बगल वालों को देखने लायक सीन होता है मतलब। और यहाँ मैं और आशु भाई गाइड कर रहे हैं, साथ में दो R15 हैं, बहुत सेक्सी लग रही है, खास करके वो मॉन्स्टर वाली चिराग की, ये भी कम नहीं लग रही है भाई। ये आ गई, लो बात करी और आंखों के सामने शापित। और यहाँ आ चुका है भाई फतेहपुर सीकरी, जो हम कभी आपको प्रॉपर अंदर लेके ही नहीं आए। और यहाँ आप अंदर लेके आए हम आपको फतेहपुर सीकरी में। अपनी थोड़ी सी एक रील निकल जाएगी, थैंक यू मेरे भाई उदयन, मेरे भाई बहुत साथ दे रहा है रील्स बनाने में। तो थोड़ी बहुत अर्ज मर्ज करके कुछ ना कुछ तो निकल ही आएगा अपने बीच में। कुछ अपने भाई जो साथ में चल रहे हैं, और ये दो आ गई भाई R15M, एक क्विक शिफ्टर एक विदाउट क्विक शिफ्टर। मैंने दोनों ही नहीं चलाई अभी तक, बट स्टिल चिराग वाली अभी ट्राई करेंगे अगर हुआ तो, नॉट बी श्योर हुआ तो। और ये आ चुका है भाई जोधा भाई पैलेस, जो एंट्री होती है वो यहाँ से ऊपर से होती है। हेयर वी नाउ एंड इधर में भाई 6 Thar 20+ bike। और यहाँ पर अभी अपन पहुँच चुके हैं, ये है पीछे फतेहपुर सीकरी, जोधा भाई पहले से इधर में है। और ये जो रिपब्लिक डे का काफिला जो अपन ने बनाया भाई पीछे 6 Thar के साथ 20+ bikes, और भाई इसमें जो मज़ा आया ना राइड पे लिटरली बहुत ज़्यादा मज़ा आया, कि मतलब एक बार को तो फील नहीं हुआ कि अपन भरतपुर में या कहीं और है। मतलब भरतपुर में इतने राइडर्स आना एक साथ, इट्स वेरी डिफिकल्ट जी, बिल्कुल। एनीवेज ये हमारा भाई एक थार का राइडर उदयन, उदयन कैसा मज़ा आया भाई आज? बढ़िया बढ़िया एकदम, फ्लावर बनाते हुए ला रहे हैं रास्ते पर। अच्छा पुष्पा बन रहे हो आप? बिल्कुल पुष्पा संजय क्या? पुष्पा ये रही पुष्पा। अच्छा भाई ये इनकी पुष्पा इधर खड़ी है 1374। एनीवेज भाई लोगों और सबसे भी पूछते क्या मज़ा आया सबको क्या नहीं आया, स्टार्ट करते हैं। यहाँ से बाइक्स हैं स्टैंडर्ड क्लासिक 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 स्टैंडर्ड क्लासिक क्लासिक मेटियोर हिमालयन मेटियोर आई मीन थंडरबर्ड इंटरसेप्टर मेटियोर क्लासिक क्लासिक अगेन थंडरबर्ड R15 और ये अपना ब्लैक मॉन्स्टर। तो भाई ब्लैक मॉन्स्टर अभी रहा नहीं, गोल्ड ब्लैक मॉन्स्टर हो चुका है। बढ़िया क्या मजा आया? बढ़िया मजा आ गया। भरतपुर में उम्मीद थी कि आपको नहीं नहीं ऐसी उम्मीद थी नहीं, अब उम्मीद बन चुकी है। अच्छा हाँ। और आगे और अच्छी अच्छी राइड आएंगे अब लग रहा है, भरतपुर में राइड आएंगी पक्का। अरे बहुत शानदार जग्गी भैया को रेड करवाओ फिर अभी लो, अभी मैं से जग्गी भैया तक जाना। अरे जग्गी भैया जरूर ब्लॉग दिखाना पड़ेगा, ऐसी बहुत सारी राइड चलती रहेंगी अभी। बस यार यही होप रहेगा कि भरतपुर में ही राइड्स ऐसे चलती रहे। लिटरली आज जो मजा आया वो सच में कभी नहीं आया, और कभी इतने राइडर्स देखे भी नहीं अपन ने जो आज भरतपुर में इतने सारे एकदम निकल के आए हैं। दिन पे दिन बढ़ेंगे भी। हाँ और थैंक्स टू आशु कि इतने सारे राइडर्स और बढ़िया बढ़िया ड्राइवर्स भाई मतलब गाड़ियाँ जो आई हैं भाई लिटरली 6 Thar एक साथ जब चल रही थी ना काफिला अलग लग रहा था। और जो बंदे देख रहे थे ना भाई अगल बगल के एक साथ एकदम जुट इकट्ठा करके, तो वो बहुत अमेजिंग लग रहा था। एनीवेज भाई लोगों अब यहाँ से चलते नीचे की तरफ, एक एक चाय पियेंगे और साथ में सोच रहे हैं कचौड़ी खाने का। तो चलो नीचे लेके चलते हैं सब राइडर्स को और ब्रेकफास्ट करते हैं, देन निकलेंगे सीधा क्योंकि सब भाई जॉब वर्किंग डे वाले हैं तो सब जॉब पर निकलेंगे अपनी अपनी। तो चलो निकलते हैं। ब्लॉग में इसलिए नहीं आ पाए थे यार, हमारी गाड़ी बीच में शांत हो गई, पेट्रोल खत्म हो गया। कैसे शांत क्यों बने, मतलब क्यों कर रही है आपने शांति? अरे यार क्या बताएं अब आपको, पेट्रोल खत्म हो गया। पेट्रोल डलवा लिया, पेट्रोल डलवा के टंकी फुल करके फिर साथ में चलने के लिए। अभी कहीं और चल रहा है अपने बंद बारे ना चलने का प्रोग्राम है। टैंक फुल करवाया आपने? टैंक फुल करवाया, 200 रुपए टैंक फुल होता है ये, मतलब झूठ ऐसे ही यार। सच शाहरुख भाई आप सच बताओ, 200 रुपए की डलवाया, जो भी इसमें पैसे नहीं थे मैंने दिए थे। ओए बेवकूफी, ये क्या बोलता, उधारी में पेट्रोल ऐसे चल रहा है यार, क्या करें ये सब। और सुनो इसको भी आज भैया ने दिए थे, आज भैया ने कहानी लंबी नाम, ऐसी वैसे ही वैसे नाम ले रहा है, कहानी लंबी चल रही है मतलब पीछे से। आज भैया ने दिया था माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
सो यहाँ भाई किया छोटा सा बर्नआउट, तो टायर की हालत आप देख सकते हो मैंने और आशु ने मिलके, और यहाँ ये सारे बच्चे हो, और ये भाई यहाँ बर्नआउट हुआ था बहुत सारा। हाय कर दो सब बच्चों, आज क्या है, रिपब्लिक डे। चलो जी अब चलते हैं ऐसे नीचे, चाय शाय पियेंगे हम। और ये भाई काफिला तो ऑलरेडी नीचे जा चुका है, बट अपन रह गए हैं तो अपन भी निकल जाते हैं धीरे धीरे करके। और बाइक में भाई बर्नआउट करने के बाद ना चेकिंग का साइन आ चुका है, अब ये मुझे नहीं पता किस चीज़ की चेकिंग मांग रहा है अभी। सो भाई लगो आज जो ब्रेकफास्ट की लोकेशन थी वो एज़ यूजल अपने श्री श्याम जी थे फतेहपुर सीकरी में ही। इनका जो ब्रेकफास्ट है वो मेरे को लगता है मुझे तो अच्छा लगा, होप सो कि आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा, आई मीन ये जो सारे हमारे साथ आए थे तो उनको भी अच्छा लगा होगा। एनीवेज भाई लोगों अब निकलते हैं भरतपुर के लिए, और शायद से टी लेन पे छोटा सा ब्रेक लेने का सोच रहे हैं सब। भाई बर्नआउट करने के बाद ना यार आप देख सकते हो एक चेकिंग की लाइट आ चुकी है अपने उसमें कंसोल में। चलो चले नीले गगन को। एनीवेज भाई लोगों बहुत मज़ा आ रहा है इस राइड पे, और सीरियसली बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और अभी अपन चल रहे हैं सीधा टी लैंड के लिए, तो फतेहपुर को कर दिया अपन ने बाय बाय। और ये आ गए अपने अंकित भैया आगे, आ जाओ भैया आ जाओ आ जाओ। भाई अपन आ चुके हैं एक नॉर्मल स्टॉक हिमालयन पे, ये है अंकित की हिमालयन, और मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि अंकित को मेरी बाइक चेक करनी थी कि वो मेरी ज़्यादा चल चुकी है तो उसको लगा शायद कुछ फ़र्क आया हो। हाँ थोड़ा सा सॉफ्टनेस में फ़र्क है स्टिल। अब आपको मैं दिखाता हूँ अपनी बाइक, वो लग कैसी रही है सामने से अलग अनदर वे में, मतलब यार गोल्डन और ब्लैक का लुक आ चुका है, प्यारी भी लग रही है। थोड़ी सी अभी और कुछ भी करवाना है इसमें जिससे फिर और अच्छे से इसका लुक निकल के आएगा। एनीवेज भाई लोगों बहुत मज़ा आ रहा है इस राइड पे, तन्मय साथ में है, और चलो चलते हैं सीधा टी लैंड। टी लैंड पर ही एक ब्रेक लेंगे छोटा सा, देन आफ्टर उसके बाद सीधा सीधा निकलेंगे अपने अपने शॉप्स पर। तो फाइनली भाई लोगों राइड हो चुके कंप्लीट, और करवाने वाले राइड को ये रहे हमारे मिस्टर आशु, और राइड भाई काफ़ी अच्छी गई, बहुत प्रॉपर तरीके से करी है। और अभी अपन पहुंच चुके हैं टी लैंड, ब्रेकफास्ट वगैरह जो एज़ यूजुअल इसकी तरफ से था आपने मेरी स्टोरीज देखी होंगी। तो भाई ब्रेकफास्ट अपन ने कर लिया था श्री श्याम वाले पर फतेहपुर सीकरी में ही, और अभी अपन रुके हैं टी लैंड पर, और सारे राइडर्स भी इकट्ठे हो चुके हैं पीछे की तरफ, उधर भी हैं स्टिल। अभी यहाँ पीनी है सिर्फ एक कॉफ़ी और चाय, दैट्स ऑल। उसके बाद निकल जाएंगे भाई सब अपने अपने काम पर, क्योंकि हमारे यहाँ रिपब्लिक डे की छुट्टी नहीं रहती है जी, क्योंकि हम जॉब वाले बंदे नहीं हैं। तो निकलते हैं फिर जल्दी से, फ्री हो जाते हैं यहाँ से टाइम भी। और ये पीछे में अपना टी लैंड, और वहाँ अपने पटेल जी की शॉप, सारी गाड़ियाँ एज यूजुअल लाइन में लाइनअप खड़ी हुई है। सो होप करता हूँ भाई लोगों आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, राइड बहुत अच्छी गई, तो इस व्लॉग को मैं करने जा रहा हूँ एंड, और होप करता हूँ ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना, शेयर कर देना। तो तब तक के लिए चाहता हूँ आपसे इजाज़त, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।